तो आखिरकार भाई इस वाले टाउन पर पहुंच ही गया हूँ मैं यार मैंने सुना था ये मेयर का टाउन है और यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते हैं देखते भाई कौन कौन है यहाँ पर क्या बात है भाई वो रहा इनका विंड मिल जहाँ से पता नहीं खाना वाना रखा हुआ है इनका और ये रहा भाई मेयर का घर और ये शायद टाउन हॉल है तो मेयर का घर अलग है और टाउन हॉल अलग है और भाई ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया घर है यहाँ पर वो कोने में भी एक घर है मुझे लगता भाई अभी भी बनना स्टार्ट हुआ है यहाँ पर टाउन यार मुझे लगता है कोई तो अमीर बंदे का घर है यहाँ पर चलते है पहले एक मिनट भाई फ्लिक क्या कर रहा स्विमिंग पूल में रुपयो भाई आगे चलता चोर बोलेगा ये अरे फ्लिक तेरा घर है ये कहा पर है तू हेलो अरे अरे भाई तू कहा से आ गया भाई मैं टाउन में रहने के लिए आया मैंने सुना यहाँ पर बहुत अमीर, अमीर लोग रहते हैं और क्या भाई अमीर रहते इसलिए तो मैं हूँ यहाँ पे वैसे भी टाउन को मेयर ने बनाया है तो यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रहने का तो यार मुझे ये बात तो बता पर है तेरे लिए घर ये सामने वाला ले ले ये मेरा ही अपार्टमेंट है ये तेरा अपार्टमेंट है अरे यार डैश मजाक कर रहा था भाई ये मेयर का अपार्टमेंट है भाई यहाँ पे रहने के पैसे लगेंगे तुझे अच्छा अच्छा मैं पहले देख लेता हूँ और कौन से कौन से घर है वो सामने वाला घर किसका है अरे वो राहुल दिख रहा है मुझे वहाँ पर यार यहाँ पर खेती कर रहा है लगता है मैं ही गरीब रह गया अरे तू कब आया यहाँ पे बस अभी तो खेती कर रहा था तभी आया था मैं अरे यार एक बात तो बता मैं कौन सा वाला घर में रहू मुझे पता नहीं कहाँ पर रहना है भाई ये क्या है इतनी बढ़िया बढ़िया आर्मर भाई तू यहाँ ज्यादा गरीब है हम बहुत अमीर हो चुके हैं यहाँ पे अरे बाप रे तो मैं कहाँ पर हूँ ये तो बताऊ मुझे अपार्टमेंट तो दे दो तो कोई तू जा भाई बगल में अपनी बना तो तू पहले में रहता था अब मैं समझा तुम लोग अब जाके अमीर हो तो एक काम करो कितने लगते हैं तो पे रहने के चार एमरेट लगते हैं यार और देख पे काम चोरी की कोई भी जगह नहीं तो तू जा और अपना घर बना और यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कर यार तो ठीक है मैं चार एमरेट दे दूंगा लेकिन मुझे एक बात तो बताओ मेयर पर है अरे यार वो जो मेयर है वो गया मालदीव में घूमने के लिए अरे भाई क्या बात है भाई वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका तो एक काम कर भाई किसको किस को तुम्हें देता हूँ नहीं 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 अरे वो जो पीछे में दिखे ना गाए उसको दे वो मेयर की गाय है कोई बात नहीं अभी तो मैंने फ्लिक को दे दिया और भाई मैं जा रहा हूँ रहने के लिए एक हफ्ते तक के रहूंगा मैं पर कौन से वाले फ्लोर में वो मैं देख लूंगा मेरा फ्लोर है क्या बात है भाई ये बढ़िया सा अपार्टमेंट है लेकिन यार चार चार एमलेट देने पड़े मुझे इस चीज के लिए मैं यार मैं सोच रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर में तो रहूंगा नहीं और यहाँ पर क्या है खेती भी होती है अच्छा नहीं नहीं यहाँ पर गार्डनिंग हो रही है भाई कोई तो अमीर रहता होगा यहाँ पर पहले ठीक है भाई यहाँ पर सब कुछ है लेकिन मैं टॉप फ्लोर पे जाऊंगा यहाँ पर अभी अपार्टमेंट खाली है मुझे लगता है यार अभी सब लोग गायब हो चुके हैं यहाँ पर या ऐसा भी हो सकता है अपार्टमेंट अभी अभी बना है तो और लोग आने वाले हैं तो एक काम करता हूं मैं जाने वाला टॉप फ्लोर पर भाई इन पर नजर भी तो रखना है ना भाई और भी ऊपर ना मुझे क्या हुआ था चार फ्लोर का अपार्टमेंट है ठीक है टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ मैं और ये देखो भाई बालकनी भी यहाँ पर और पेंटिंग लगी हुई है बेड भी है मेरा वैसे ब्लू कलर अच्छा कलर होता है और चेस्ट में तो कुछ रखा नहीं है और यहाँ पर कोई बुक है पढ़ने के लिए वैसे मैं पढ़ने नहीं आऊँ यहाँ पर कुछ और काम है मेरा तो भाई ये रहा हूँ फ्लिक का घर और यहाँ पर तो मुझे कोई काम नहीं है मेरा असली काम में बताता हूं क्या करना है मुझे और वो देखो भाई वो लोग कुछ बात बात कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग तो भाई अपना घर को अपग्रेड कर रहे वो दोनों देखो तो मैं यहाँ पर आया हूँ हेड बनने के लिए एक्चुअली मैंने अभी सारे हेड को एक निपटाया हो खतरनाक तरीके से मारा हो मैंने उसको और मैं अब हेड बन सकता हूँ क्योंकि जो भी उसको मारता है वो बन सकता है है वो। तो मैं इनको ट्रोल करने आया हूँ और ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हैं तो इनकी जगह भी तो हड़पनी पड़ेगी ना और पैसे वैसे भी लेने पड़ेंगे इनसे तो एक काम करता हूँ तो। और और तो मेरे हाथ में ब्रीफ है ना मैं इसका ओनर हूँ तो, और जैसे मैं ब्रीफ को खोलूंगा पासवर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका है जैसे मैं यूज करूंगा ना वैसे भाई बन सकता हूँ सायरन हेड भाई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है राहुल के हाथ में नहीं लगनी चाहिए और मुझे लगता है मेयर के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए उठा लेता हूँ और ब्रीफ केस में अभी के लिए वापस डाल देता हूँ क्या बात है मेरा प्लान

ता मतलब टैक्स बोल रहा है वो भाई मैं तो नया नया हूँ मैं कैसे टैक्स दूंगा तुम लोगों ने टैक्स दिए क्या भाई हम लोग देते ही हर बारी पर अभी तू बहुत ज्यादा देगा एकदम न्यू आया है कितना टैक्स बढ़ाया हो? अभी हो चुका है दो गुना भाई दो गुना लगान देना पड़ेगा इन लोगों को ठीक है भाई मैं तुम लोगों को टैक्स दे दूंगा टेंशन मतलब डबल डबल टैक्स दूंगा मैं लेकिन अगले हफ्ते दूंगा ना वो तो अभी तो थोड़ी देना मुझे नहीं नहीं कल के कल चाहिए हमें जैसे आज सुबह होगी वैसे तुझे देना पड़ेगा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मैं कुछ करता हूँ भाई रात को जाता हूँ करने के लिए अब कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं और देख वैसे भी हम लोग जो टैक्स ले रहे हैं वही रोड बनाने के लिए अरे भाई हाँ ये नया नया रोड बना दिख रहा है भाई मुझे ठीक है ठीक है मैं टैक्स दे दूंगा टेंशन मतलब अभी अमीर बनना है मुझे तो फिर मैं काम, कर। ठीके, 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 भाई, काम करता हूँ राहुल शायद ऊपर की तरफ लगता है यही समय ट्रोल करने का। मुझे भाई देखना पड़ेगा लग रहा मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ ऐसे मैं अपने अपार्टमेंट में आ चुका हूँ मैं दिखाता हूँ मेरे पास में क्या क्या चीजें है ये देखो गन्स है और डायमंड के सो आर्मर सब है मैं तो कुछ और काम के लिए आया था मेरे पास में भी है तो नजर रखने के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यार मुझे सुबह इनको देना पड़ेगा लगान मतलब टैक्स देना पड़ेगा तो एक काम करता हूँ ये वाला जो लॉन्ग स्कोप है ना इसको लगा मैं स्कोप की जगह पर यार दूर से मैं देख सकता हूँ तो देखना पड़ेगा फ्लिक क्या कर रहा है भाई सोने से पहले स्विमिंग पूल में नहा रहा है वो पता अमीर थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा मुझे अच्छे से ताकि देखना ले मुझे हाँ, से देख नहीं पाएगा वो रात के समय ठीक है मुझे लगता है अभी ऊपर जाने का समय आ चुका है उसका और अभी भी रात हुई है तो मेरे पास समय है ठीक है भाई वो ऊपर की तरफ जा रहा है भाई वो जा चुका है ऊपर ठीक है मैं समझ चुका हूँ यार मुझे ऊपर हमला करना है इसके ऊपर यार मुझे मेरा पहला शिकार मिल चुका है भाई फ्लिक है मेरा पहला शिकार और मुझे इसलिए भी करना पड़ रहा है भाई क्योंकि लोग अभी मुझसे टैक्स मांग रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ करके सुबह उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा इनके साथ में कि भाई सुबह वो लोग बात ही ना निकाले टैक्स तो यार मुझे लगता है हेड बनने का समय आ चुका है तो पहले मैं नीचे चलता हूँ ठीक है एक काम कर दो पीछे की तरफ से हमला करता हूँ भाई शक नहीं बैठना चाहिए मेरे ऊपर तो लगता है मैं सैर हेड में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ भाई मैं बन चुका हूँ क्या बात है भाई की भी आवाज आ रही है खतरनाक वाली और मैं इतना ऊपर से क्यों देख पा रहा बस पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा ऊपर है मेरी तो मुझे वहां पर हमला करना देखो भाई कितनी ज्यादा हाइट में हुआ मैं ये देखो ये राम है तो आगे की तरफ चलते है पहले और मेरे पास कुछ कुछ टेक्निक है इसको भाई परेशान करने की भाई डर जाना चाहिए पूरा भाई लगता है मैं कुछ ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ और ये देखो फ्लिक्स नेम नेमटेक दिख रहा है मुझे तो थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं और मेरे पास में यार था तो इसे यारिकाइंड करना पड़ेगा मुझे पहले से घर यार मुझे एक बार समझ भी नहीं आ रहा है भाई इतनी आवाज आ रही है हेट की पर ये उठ क्यों नहीं रहा है मुझे ये नहीं मालूम चल रहा है और ये देखो मैंने अपने पैर के नीचे कुछ ब्लॉक तोड़ दिया भाई क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रहा था यहाँ तक के तो एक काम करता पहले देखता सोया दे पर है वो ही रहा है मैंने कुछ ब्लॉक तोड़ के देखा लेकिन ये उठ नहीं रहा है तो एक काम करता का मैं टी एन टी को लगा देता हूँ तो यार कोई भी ब्लॉक लगा रहा तो मुझसे लग नहीं रहा है मुझे लगता है भाई ये मेयर का काम है कुछ तो यहाँ पर खतरनाक काम किया है उसने और भाई ये विलेज को मतलब ये टाउन को उसने सिक्योर करके चले गया है लेकिन मैं एक और चीज कर सकता हूँ मुझे पता है कैमरा कहीं ना कहीं होंगे यहाँ पर और कैप्चर कर चुके होंगे कि ने डाया था इस विलेज में फ्लिक को परेशान करने की है तो मैं सोच रहा हूँ फिर से डैश बनता हूँ और एक घर के पीछे तो पक्का कैमरा नहीं होंगे तो पर डैश बन के मैं अपना खुद का मतलब रियल में आता हूँ और भाई इसको परेशान करता हूँ तो जंगल की तरफ निकल जाऊंगा तो चलो यार मैं शायद बन रहा हूँ फिर से तो ठीक है बन चुका हूँ मैं हाँ क्या बात है तो एक काम करता हूँ इधर की तरफ से चलते भाई खोते हुए मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता हूँ भाई क्योंकि मैं तो उनके हिसाब से सो रहा हूँ ऊपर की तरफ वो ये क्या है मैं इसके स्विमिंग पूल में आ चुका कोई बात नहीं मुझे यही से ऊपर जाना है बस क्योंकि मुझे इतना पता घर के अंदर तो कोई कैमरा लगाता नहीं है वो जल्दी से चलते ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ ब्लॉक है ये ब्लॉक को फेंकना पड़ेगा नहीं तो शक हो जाएगा मेरे ऊपर और इस चेस्ट में क्या है चेस्ट में कुछ भी नहीं है भाई ये तो अलग गरीब दिख रहा है मुझे पहले इसको तोड़ देता हूँ मैं और यहाँ पर यार पूरे के पूरे लगा देता हूं ऑफिसन भाई ये निकलना नहीं चाहिए जेल से मुझे पता है कुछ तो लेकिन नहीं सो रहा होगा बाकी सब चीजों से छुपा के रखा होगा और कोई देख नहीं रहा हूँ मुझे बस इतना मुझे पता है ठीक है यार पूरा बर्बादी मैंने हटा दिया यहाँ से और ये कुछ बचे हुए ऑफसेडियन यहाँ पर लगा देता हूँ भाई हमेशा के लिए यहाँ पर पैक हो सकता है ठीक है शायद मरेगा तो नहीं फिल्लिप मुझे इतना पता है ठीक है मैंने पूरा पैक कर दिया और सारे के सारे मेरे काम भी आ चुके ऑफिस भाई मैं ऐसे जल्दी से जल्दी निकल रहा हूँ कोई आना जाए बस यार यहाँ से तो मैं निकल रहा हूँ क्योंकि यार मैंने यहाँ पर बहुत खतरनाक काम कर दिया हो लेकिन मैं सारे हेड बन के निकलूंगा यहाँ से तो क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं देख रहा है मुझे लेकिन घर के बाहर तो देख सकता है ना और क्या बात है भाई बारिश भी आ चुकी है तो मेरा सही समय निकलने का भाई मरते मरते बचाऊ में ठीक है यार किसी को शक नहीं किया होगा मेरे ऊपर तो मैं ऐसे निकल रहा हूं जल्दी से जल्दी एक काम करता हूँ इस जंगल के बीच में जाकर गायब हो जाता हूँ मैं मुझे पता है कैमरा कहीं ना कहीं से तो देख रहे है भाई ये लोग अमीर है तो इनके पास में कैमरा कमरा पक्का होंगे तो ठीक है यार इस पेड़ों के पीछे आ चुका हूं मैं और सिंपल से डैश एम्बर बन जाता हूं मैं और घूम के सीधा अपने अपार्टमेंट के बिल्डिंग के टॉप पे चलता हूँ क्योंकि वहीं पर मेरा घर है ठीक है दरवाजा लगा देता हूँ मुझे नहीं लगता यार किसी ने देखा होगा मुझे तो से सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ और चुपचाप सो जाता हूँ कुछ भी वो फ्लिक के साथ बहुत बुरा हुआ है ये लोग भूलने वाले की इनको हफ्ता भी लेना मुझसे क्या बात है सुबह तो हो चुकी है और वो देखो राहुल परेशान दिख रहा है मुझे भाई चलते उसके बाद बात करके आते पहले तो राहुल क्या हुआ तुझे अरे यार आज फ्लिक नहीं दिख रहा है यार कहा गया मुझे क्या बता भाई मैं तो रात भर काम कर रहा था भाई एकदम केव में जाकर अरे यार आज उसे काम तो बहुत जरूरी है और पता नहीं इस टाइम पे कहा भाग गया वो मैं मुझे क्या पता बता पर भागा हुआ मुझे अपना काम करने दे मैं जा रहा काम करने तू कुछ और कर अरे रुक रुक एक मिनट एक बार उसके घर पे देख के आते पहले जल्दी से ठीक है ठीक है चल घर पे देख के आते है उसके भाई नीचे वाला फ्लोर तो हमने देख लिया ऊपर भी देख लेते है एक बार भाई यहाँ पर भी नहीं है वो और कहाँ पर होगा लेकिन वो एक मिनट भाई यहाँ पे अभी क्या हो होगा ये क्या है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बीसी गेम्स के बारे में यहाँ पर अपने प्रडिक्शन से आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स है लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो है माइंस वैसे तो बहुत सारे गेम्स है आप कोई भी गेम चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर इतने सारे गेम्स आपको कोई भी पसंद आ सकता है इजिली मैं आपको बताता तो हूँ कैसे खेलना है बस यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है की कौन सा माइंड होगा और कौन सा जेम होगा भाई सोचो इतना आसान ये बस आपके दिमाग और प्रेडिक्शन से ही हो सकता है और क्या बात है भाई इतना इजिली जीत गए हम अगर आपका प्रेडिक्ट करने का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप जीत सकते हो दुबई पैकेज और एक ब्रांड न्यू टेस्ट लकार अगर आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो अभी फिलहाल चल रहे इंडिया और श्रीलंका के टेस्ट मैच और अगर आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर प्रिडिका कौन जीतेगा तो आप लोग जीत सकते हो अच्छे खासे प्राइस अपने प्रेडिक्शन से काफी सारे प्राइजेस विड्रॉल करो और जीतो ढेर सारे इनाम लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट पर जाकर चेकआउट करो बी गेम्स को अरे हेलो हेलो भाई कोई बचाओ मुझे आवाज आ रही है फ्लिक तुझे हम बचाना आया तुझे हेलो भाई कोई बचाओ यार अंदर कैसे फंस गया आवाज नहीं आ रही है कोई मतलब नहीं है बोल के मुझे लगता है इसको निकालना ही पड़ेगा तो तेरे पास पास है है क्या यार मेरे मैंने कल रात को एक बनाया था तो एक काम कर यहाँ से एक ब्लॉक तोड़ लेकिन किसने किया उसके साथ ऐसा अच्छा देख पास एक बहुत खतरनाक चीज है और उससे हम पता कर सकते हैं कि ये सब काम किसने किया है क्या बात है अरे भाई टूट गया अरे तैर क्यू रहा है लेकिन ये बता था मुझे अंधेरे में वो भी अरे अंदर जगह ही नहीं था भाई मैं कैसे तैसे बस सो के उठा सुबह तो भाई मैं जब से अंदर ही हूँ दो घंटे से अरे बाप रे भाई बहुत बुरा हुआ तेरे साथ में काम कर बाहर आ भाई ये किसने किया मेरे साथ ये क्या हुआ इसको भी चलो पता नहीं किसने किया अरे और कुछ कह रहा था ना तेरे पास कुछ है जिससे हम पता कर सकते कौन आया था कल रात को अच्छा देख मेरे पास ये है मॉनिटर और इस मॉनिटर में मैं देख सकता हूँ जो भी हमने इस पूरे शहर में लगाए हुए कैमरा तो उसको हम सकते है तो एक बार मैं देखता हूँ भाई की कल रात को क्या हुआ था ठीक है ठीक है रात को देख एकदम बारह के बाद अरे भाई ये ये कैसे हो सकता है ये नहीं हो सकता भाई, फ्लिक एक देख। क्या देख है यहाँ पर सायरन हेड क्यों आएगा यार सायरन हेड कैसे आ सकता है यार राहुल तू बता अरे मैं खुद यहाँ पे बहुत ज्यादा वही सोच रहा हूँ यार कैसे हो सकता भाई। भाई ये मतलब है ये अरे लेकिन भाई आज सुबह हमको इससे पैसे लेने उसका क्या हुआ भाई एक काम करते ना अभी तो था तो मैं कल देता हूँ ना एक दिन तो माफ हो सकता है मैंने ठीक है चल फिर आज हम लोग उसके बारे में पता लगाते हैं बात करो भाई, मैं जा रहा और काम करने तो मीटिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं बुलाया इस बार इन लोगों ने काम करता देखो मैंने यहाँ पर एक लेटर बना दिया मुझे पता है गरीबी जगह पर आएंगे नहीं ऊपर की तरफ चलते और थोड़ा जूम करके देखते क्या कर रहे अच्छा शायद वो लोग रोड बना रहे मुझे लगता है इनका रोड का काम हो चुका है जितना था आज ज्यादा काम कर नहीं पाए और मुझे लगता है मीटिंग करके लोग जाने वाले अपने घर पर फ्लिक को तो मैंने टारगेट कर लिया राहुल की पहले यार इनका इंतजार कर हूँ तो कब जाएंगे ये लोग बस मुझे देखना नहीं इसलिए मैं ऊपर आया था सबसे ठीक है भाई फ्लिक जा रहा है घर पर ठीक है ये इधर तो चलेगी अब देखते भाई राहुल किधर जाता है बेसमेंट में जा रहा है ऊपर जा रहा है सोने के लिए और भाई इसने घर कितना बढ़िया बना लिया अपना ठीक है ये जा चुका है अपने घर पर और भाई इसके पास सिक्योरिटी कैमरा है मुझे पता सिक्योरिटी कैमरा इतना ऊपर देखेंगे नहीं भाई इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ भाई एक काम करता हूँ राहुल के घर के पीछे तो पूरा जंगल है तो भाई पीछे की तरफ से चलते हैं क्योंकि यार मुझे पता है फ्लिक आज जगह रहेगा तो उसके बाद जाके कोई मतलब नहीं है तो मैं यहाँ से तो करता हूँ और यहाँ पर पक्का कैमरा नहीं है मैं समझ चुका हूँ ठीक है मुझे बस यार यहाँ पर नहीं दिखना है मैं घूम के आ रहा हूँ सीधा और चलते से के पीछे तो यार समय आ चुका है साइरन हेड बनने का और ठीक है भाई बन चुका हूँ मैं यार बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है ठीक है भाई मैं बन चुका हूँ यार घना जंगल है तो यहाँ पर मुझे पक्का पता है कोई आएगा तो नहीं और राहुल भी सोया हुआ होगा तो मुझे थोड़ा देख के जाना पड़ेगा यार यहाँ पर तो जाने का रास्ता भी नहीं है यार मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है लोग अभी तक तो क्यों नहीं है हेड को आवाज सुनकर भी तो एक काम करता हूँ भाई घर के ऊपर चढ़ता हूं मैं सीधा यार उतना ऊपर तो नहीं हूं मैं पर यही सही जगह है यहाँ पर मैं डैश बन सकता हूँ थोड़ा पीछे की तरफ जाकर यहाँ पर मैं चुपचाप डैश बन जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई भी कैमरा इस तरह फेस नहीं कर रहा होगा तो ठीक है शायद मैं डैश बन रहा हूँ ठीक है मैं इंसान बन चुका हूँ वापिस से अब यार मुझे इसके घर पर टीएनटी टी लगाना है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर सो रहा है क्या कर रहा है वो देखो उसका टैग नीचे ये देखो यहाँ पर सो रहा है वो एक काम करते घर के ऊपर टी लगाते हैं घर को पूरा अभी तबाह नहीं करेंगे अभी समय है तो चार टीएनटी टी भाई काफी रहेंगे तो भाई आग लगा के मुझे भी तो भागना पड़ेगा ना ठीक है भाई आग लगा मैं भी भाग रहा हूँ यहाँ से भाई मुझे मरना नहीं है बस वो क्या बात है भाई क्या टी फूटा है अरे यार एक मिनट ये क्या हुआ भाई यहाँ पे कुछ तो आवाज आई फ्लिक फ्लिक कहा और डैश डे पे बाहर है भाई कुछ तो फूटने की वजह और एक मिनट यार मेरा घर किसने फोड़ दिया भाई मुझे भागना पड़ेगा शायद ये लोग देख लेंगे और एक मिनट भाई कोई तो दिख रहा है पीछे ओ भाई भाई एक मिनट अभी यार मुझे से फ्लिक आते हुए दिख रहा है यार मुझे भागना पड़ेगा लगता है ठीक है पेड़ों के बीच से निकल तो जाऊंगा मैं अभी ये क्या है राहुल हाँ बोल वोट दिखा मुझे वापस से अरे हाँ यार ये मेरे घर के पीछे वाले जंगल में मुझे भी दिख रहा है तू का पे मैं भाई तेरे घर के सामने क्या कर रहा है तू अभी यार ये तो तेरा घर पूरा फूट गया है चले

उसके पास जाए कि नहीं जाए ये बता जल्दी से चल चल धीरे धीरे चलते हैं भाई इसके पास भाई उसने हमें देख लिया तो हम खत्म हो जाएंगे ये के ही? ये तो मुझे पता मैं काम करता हूँ भाई ये लोग आएंगे मेरे पीछे तो यही सही समय डैश बनने का अरे ए भाई एक मिनट ये कहा हो गया अभी गायब एकदम से अभी सुबह हो गई ना इसलिए गायब हो गया तो ठीक है भाई मैं तो बन चुका हूँ नॉर्मल इंसान मैं चलता हूँ ये लोग यार शक करेंगे मेरे ऊपर तो एक काम करो थोड़ा बहुत कोल वोल माइंड करके आता हूँ मैं फिर गोली चलने की आवाज आ रही है मुझे शायद ऊपर किसी को तो मारे भाई देख जल्दी से देखना पड़ेगा यार किधर है भाई गोली चलने की आवाज़ कहा से आ रही है भाई कौन है यहाँ पर भाई आज तो हम उसको छोड़े

बातें कर रहा है सायरन हेट भागा था भाई तुम लोगों को क्या हो गया सच में था अरे हमने अपनी आंखों से देखा यार तो भाई एक काम करते आज के दिन सोते नहीं हम लोग और भाई गोलियां वेस्ट मत करो को मारने के लिए रखो इन गोलियों को चल चल भाई वापस अपने घर 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 में चल इसका पूरा उड़ा उड़ा दिया दिया है उसने मुझे वो भी ठीक करना पड़ेगा ठीक है ठीक है भाई चलो चलो मुझे भी एक दो बंदूक दे दो अरे डैश भाई जैसे भी सारे अगली बार आएगा ना हमारे विलेज के पास तब मैं तुझे बंदूक दूंगा आजा ठीक है भाई मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा भाई उसको मारने के लिए क्योंकि मैं भी यहाँ पर परमानेंट बनने वाला हूँ कुछ ही दिनों में यार पूरी रात हो चुकी है लेकिन अभी तक सायर हेट आया नहीं है भाई क्या देख लिया तुम लोगों ने भाई मैंने नहीं ने देखा था अरे बस इस बार आने दे उसको तो मैं जिंदा मारूंगा अभी अच्छा तो फ्लिक ने नहीं देखा था अरे मैंने भी देखा था बस मुझे मुंडे दिखी थी इसने तो पूरा देखा था भाई इसके घर में अटैक हुआ था भाई, भाई, भाई मैंने भाई। अपनी आंखों से देखा यार बहुत ज्यादा बड़ा था वो ठीक ठीक है है भाई भाई तो तो भाई अभी सोना नहीं है वो आएगा तो उसको निपटाना है है ठीक सब रेडी हो जाओ मेरे पास भी एक बंदूक है चोर बाजार से खरीदा था मैंने भाई ये कब ला लिया तूने वो भाई मेरे पास कुछ कुछ चीजें रखी हुई है टेंशन मतलब तुम हम रेडी रहते बस यार पूरा सूरज उग चुका है लेकिन अब तक आया नहीं है सारा नेट अरे हाँ यार कितने देर से हम लोग उसका वेट कर रहे हैं आज तो आया ही नहीं वो वही तो यार पिछले दो दिन से आ रहा था तुम्हारा कहना था वो लेकिन अभी तक आया नहीं

मैं तुझे मारू बता मारूगाता अरे भाई फ्लिकी राहुल पागल हो गया हफ्ता वापस कैसे <laughs> करूं, मैं तो दूंगा ना तो भाई वो उसने को देख लिया था ना इसका पागल हो चुका है एक काम कर भाई तू दे दे ही बस हफ्ता ठीक है ठीक है भाई दे रहा लो भाई छे गोल्ड ले लो और एमरल्ड ले लो आठ पूरे भाई दो गुना लगान दिया तुम्हें मैंने अब तो छोड़ दो मुझे इसने नहीं तुझे नहीं छोड़ेंगे अभी भी रुक भाई तू हमारी मदद करके जाएगा फिर भी जा नहीं रहा मैं तो यही सिटी में रुकने के लिए आया हूँ को मिलकर मारेंगे आने दो उसको एक रात के बाद भाई देखेंगे क्या होता है ठीक है आज के दिन रुक जाते हैं ठीक है चलो यार आज वेट कर करते हैं मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर में चल ठीक है मैं भी पे रोड और बना लेता हूँ भाई पूरी रात हो चुकी है लेकिन यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा, क्या करूं मैं एक मिनट देखता भाई ये लोग क्या कर रहे हैं ओ भाई ये क्या हो रहा है लोग बीच में क्यों मिल रहे हैं मुझे भी जाना पड़ेगा शायद मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बात कर रहे हैं लोग लगता मुझे बुलाया इन लोगों ने चलो भाई सीधा वोटर क्लच करते और नीचे चलते अरे भाई क्या हो गया आधी रात को तुम लोग मीटिंग कर रहे हो भाई हम लोग आवाज आ रही थी अच्छा भाई मैं देख तुम्हारे सामने हूँ मतलब आवाज मैंने नहीं किया था लेकिन आया कैसे कोई बात नहीं भाई चलो उसको मार के आते हैं मारेंगे कैसे भाई वो मरता नहीं

अरे यार शीट मेरी गन भी गिर गई गन गिर गई भाई ये कैसे कर सकता तू भाई भाई मारो इसको कैसे, उसको कैसे भी? उसको? भाई मेरे पास में स्नाइपर है दूर से मारे भाई 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 वही सोच रहा हूं मुंडी पे एम लो उसके ओ भाई ज्यादा डैमेज पहुंच रहा है उसको लेकिन सर है भाई कोई तो मारो उसको भाई मर नहीं रहा है वो अभी तक मैं भी तो नहीं मर रहा हूं भाई क्या बात है मार क्या आते हैं अपने विलेज में बताओ यार मतलब टाउन में और ये क्या चीज है क्या है ये यार मुझे लगता है कोई तो मैं डायमेंशन में जा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक काम करो आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच